वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी जो है नव वर्ष अच्छे से मनाएं और भगवान करे आप सभी के लिए नई नव वर्ष जो है ढेर सारी खुशियां और नए नए अवसर लेके आए। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये वाली साड़ी आज जो है मैंने पहन ली है क्योंकि धूप अच्छे से निकल गई हमारे यहाँ। तो आज 1 तारीख है पर धूप अच्छे से निकल रही है। देखिए आपको दिख रहा होगा ना मेरे फेस पे धूप का बुआ है। तो धूप अच्छे से निकल चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज नंबर से तो सोच रही हूँ सब काम जो है, मतलब एक कहते हैं ना कि आज जो काम स्टार्ट करते हैं वैसे ही पूरे साल होता है। तो आज देखिए मैं क्या क्या करती हूँ और कुछ स्पेशल आज जो है बनाएंगे भगवान के भोग लगाने के लिए क्योंकि नई साल है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आ जाइए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले करते हैं भगवान की पूजा। भगवान को नहला के लिए आती हूँ, भगवान को नहला के लिए आई हूँ। और ये देखिए आज हमारी जो है ना लड्डू गोपाल जी को आज मैंने ये न्यू ड्रेस पहनाई है रेड कलर की। तो भाई आज साल का पहला दिन है तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, दर्शन कर लीजिए आप भी। अभी श्रृंगार करेंगे और पूजा भी करेंगे। और नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजं। जय गणपति सद्गुण शंकर वदन कृपाल विनय मंगल कर। जय जय गिरिजालाल। ये देखिए भगवान की बांसुरी माला और ये भगवान का मुकुट। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना बांके बिहारी जी। बस अब हम करते हैं दीप प्रज्वलित और भगवान की पूजा करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी पूजा तो हो चुकी है, अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं भगवान के लिए गरम गरम भोग और उसका प्रसाद हम सब भी लेंगे, आप भी लीजिएगा। आ जाइए चलते हैं। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और ये देखिए रात को ही मैंने तैयारी कर दी थी। तो ये देखिए ये है मूंग की दाल और ये वाली दाल है चौड़ी की दाल जिसे बोलते हैं ना वो। तो इसका मैं क्या बनाऊंगी, तो मैं बनाऊंगी पोस बड़े क्योंकि आजकल पोस का महीना चल रहा है, कुछ दिन में पोस का महीना ख़त्म हो जाएगा। और ये तो मेथी है, मेथी रखी थी मैंने साफ करके। तो आज इसके बनाएंगे हम पोस बड़े क्योंकि पोस के महीने में बनते हैं तो पकौड़े होते हैं दाल के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ये देखिए मैं भीगी हुई है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से दाल फूल गई है। ये देखिए बिल्कुल इसके जो है ना ये छिलके अलग हो गए हैं। तो पहले मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, 2 से 3 बार इसके छिलके निकाल देती हूँ और फिर जो है इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो चलिए मैं इसको धो के ले आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ना छिलके अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स दाल को जो है कम से कम 4-5 घंटे दाल अच्छे से भीगनी चाहिए, पर मैंने तो नाइट में ही भो दी थी ये दाल क्योंकि सुबह इतनी जल्दी मैं कब उठती और कब इसे जो है धोती। तो ये भीग चुकी है अच्छे से और इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी दोनों दालों को, फिर इसे पीसेंगे। फ्रेंड्स दाल हमारी दोनों धुल चुकी हैं तो मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। ये देखिए मिक्सर का जार मैंने ले लिया है और अब इसमें डाल देते हैं हम ये वाली दाल। अपनी दोनों दालों को डाल देंगे और एक बार में नहीं ग्राइंड हो पाई ना, ये तो 2 बार में कर लेंगे, मुझे लग रहा है एक बार में नहीं हो पाएगी। तो इसको और ना इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा ना दर दरा सा पीसना जिसमें हमको दाल के दाने भी दिखाई देना, तो वो क्रंच करते हैं ना दाल जब जैसे हम खाएंगे तो क्रंच क्रंची से लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं है इसमें डालूंगी यहाँ पे 2 हरी मिर्च, अगर रेड मिर्च हो ना आपके पास खड़ी तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, पर मेरे पास ख़त्म हो गई है अभी। तो इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा और एक देखिए अदरक का टुकड़ा है ये डाल दूंगी। और अभी है ना भगवान के प्रसाद के लिए बनाऊंगी तो बिना प्याज के बनाऊंगी, बाद में जो है हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्याज कट करके मिक्स कर लूंगी इसमें। तो चलिए इसे मैं थोड़ा दरदरा पीसूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसा मैंने पीसा है। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। दाल हमारी पीस चुकी है, ये देखिए पहले भी ये मैंने निकाल दिया और इसमें है ना कुछ दाने हैं, देखिए दाने हैं इसमें बिल्कुल बारीक, मैंने इसे नहीं पीसा है
तो इसको भी जो है मैं निकाल लेती हूँ, हाथ से निकालूंगी भाई, चम्मच से कितना ही निकालो पर फिर भी हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, और हाथ से ही बनते हैं पकौड़े, चम्मच से नहीं बनते हैं। तो इसे है ना मतलब थोड़ा गाढ़ा ही पीसना पड़ता है। ये देखिए अभी तो ये देखिए इस तरह से, देखिए गाढ़ा है ना ये, काफ़ी मतलब थिक है, गाढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए काफ़ी थिक है, ये थोड़ा थिक ही होना चाहिए, और इसमें दाल के दाने दिखाई देंगे आपको। ये देखिए दाल के दाने हैं ना, तो इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं क्रंची क्रंची से। इसमें हम डाल लेते हैं अपने मसाले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है दो हरी मिर्च उसमें डाली थी, दो मिर्च हरी मिर्च यहाँ कट कर ली है, और अब हम डालेंगे खड़ा धनिया। ये देखिए जो खड़ा धनिया होता है ना साबुत वाला, वो इसको बिल्कुल हल्का सा हाथ से आप इसे क्रश कीजिए हाथ से, इस तरह से, ज़्यादा नहीं मसलना, अच्छे से मसलिएगा, कई बार हाथों में लग भी जाता है, और नहीं तो आप इसे जो है ना आपका बेलन है उससे डाल सकते हैं, मतलब पीस सकते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च के दाने डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काली मिर्च। और अब हम डालेंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ अभी मैं ना इतना ही डाल रही हूँ, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और लाल मिर्च जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ डालूंगी क्योंकि थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो ज़रूर डालिएगा हींग, हींग थोड़ा अच्छे से डालिएगा। देखिए हमें इसका बनाना है पेस्ट, तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, अगर इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो ही हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी मैं इसको रख देती हूँ अपनी जगह पे, और ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। बहुत लोग जो हैं बेसन भी मिलाते हैं, पर बेसन का जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, और जैसा भी आपको पसंद हो, प्योर दाल का जो होता है ना टेस्ट अलग ही आता है बिल्कुल। तो इस तरह से, और अगर जैसे आप प्याज लहसुन वगैरह भी खाते हैं ना, आलू वगैरह, तो वो भी इसमें बारीक बारीक करके आप डाल लीजिए। मैं भी बाद में डालूंगी प्याज, आलू नहीं डालूंगी, आलू से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, प्याज डालूंगी पर अभी नहीं डालूंगी, भगवान के प्रसाद के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह का ये पेस्ट बन गया। ये देखिए तो मुझे इतना ही रखना है, ये ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। ये देखिए जैसे हम डालें पकौड़े तो इस तरह से वो टल जाए, क्योंकि अब मैं ज़्यादा बारीक डालूंगी ना, मतलब पतला करूँगी इसे, तो ये ख़राब हो जाएगा, अच्छे से नहीं बनेंगे। तो मैं पहले थोड़ी से बना के देखूंगी, और अगर नमक मिर्च ठीक हुआ तो सही लगा तो ठीक है, नहीं तो कम हुआ थोड़ा सा, ज़्यादा को तो मैं कम नहीं कर पाऊँगी, पर मुझे लग रहा है कि रेड मिर्च थोड़ा कम है अभी भी, पर शोर भी खाएगा ना, तो पहले उसके लिए कम ही बना दूंगी, फिर और मिक्स कर लूँगी। अभी मैं हाथ धो के आती हूँ और ऑयल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। सो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और तो चलिए लेते हैं गणेश जी का नाम और बनाते हैं अपने पकौड़े, पोस बड़े जो होता है जी। अभी इतने ही बनाऊंगी क्योंकि प्याज वगैरह मिक्स करूंगी ना इसमें, इस वजह से। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका था ना, इस वजह से देखिए। ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं ना वो बन चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और भगवान के लगाते हैं वो। और तब तक जो है ना मैं थोड़ा सा प्याज भी कट कर दूँगी। हमारे पकौड़े रेडी हैं, और साथ में देखिए मैंने क्या बनाया वो भी दिखाती हूँ। आज जो है ना ये देखिए गाजर का हलवा बनाया है मैंने। ये देखिए गाजर का हलवा बनाया था मैंने, कल ही बना लिया था क्योंकि बहुत टाइम मिलता है, आयुष सो रहा था तब भी बना लिया था। तो आज जो है ना हम लोग यही खाएंगे, और भगवान के भी भोग लगा दिया, पहली बार मैंने जो है इन सर्दियों में गाजर का हलवा बनाया है। तो ये रही हमारी भगवान की प्लेट और चम्मच छोटी सी, तो इसमें निकालते हैं पहले भगवान के लिए। और गाजर का हलवा तो शायद ही फ्रेंड्स किसी को ना पसंद होगा, सबको अच्छा लगता है गाजर का हलवा, घर के बने हुए चीज़ की बात ही अलग होती है, एक प्योरिटी अलग ही होती है, टेस्ट भी अलग होता है। तो ये देखिए भगवान के भोग लगाते हैं, आ जाइए बाकी बिहारी जी को।
रख दिया है भगवान, भोग लगाएंगे। तब तक मैं जो है कट प्याज कट करके और जो है उसको रख कर लेती हूँ। और यहाँ शौर्य है ना, बहुत यहाँ देखिए शौर्य बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि कब। शौर्य क्या खाओगे आज? आऊंगा। फ्रेंड्स शौर्य का फेवरेट है गाजर का हलवा, बहुत जो इसको पसंद है। मैं हर बार कई बार बना लेती हूँ अब तक तो, पर आज अब की बार आयुष की वजह से नहीं बना पाई। आ रही हूँ बेटा, बना के लेके आ रही हूँ आपको, है ना। तो फ्रेंड्स ये प्याज कट कर लिए है मैंने, प्याज को इसमें डाल देती हूँ और अब बनाएंगे हम प्याज के, क्योंकि भगवान के हम भोग लगा चुके हैं। बना लेती हूँ फिर प्लेट लगा के हम लोग साथ में खाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सब भी खाइए, और आप सभी को फिर से एक बार मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। ये नववर्ष ढेर सारी नई खुशियां, नए अवसर और नई नई खुशियां लेके आए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे बाबू की ये पहली हैप्पी न्यू ईयर है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तभी ठीक नहीं है तो आज के ब्लॉग कंटिन्यू कर पा नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।